वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन और मेरा नाम है पाया और मेरा नाम है खुशबू। सो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मास्टर शेफ कुकिंग चैलेंज पार्ट 3। इस चैलेंज में क्या होने वाला है, खुशबू और पायल करेंगे कुकिंग और ये लोग जो खाना बनाएंगे उसको हम लोग करेंगे टेस्ट, यानी मैं और मम्मी करेंगे टेस्ट और जो सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाएगा वो हो जाएगा इस चैलेंज का विनर। ओ, और हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्यों चैलेंज करें? तो मत करो। नहीं, करिए। और हमें टाइम कितना मिलेगा इस चैलेंज को करने के लिए? तुम लोग को मिलेंगे 2 घंटे। बस इतना सारा टाइम मिल रहा है और बोल रहे हो 2 घंटे? यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा 2 घंटे में यार। वैसे तो मैं देने वाला था तुम लोग को 1 ही घंटे, लेकिन ना पता है क्यों मैंने ज्यादा टाइम दिया? क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टोव है ना वो धीरे धीरे चलता है ना, इसलिए। हाँ, वो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। 2 घंटे में खाना बना लेना, ठीक है? कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ देखो गाइस, खाने में इन लोग को बनाना होगा एक अच्छी सी डिश और साथ में देना होगा एक अच्छा सा ड्रिंक। ड्रिंक भी बनाना है? यस। ओ माय गॉड, देखो कितना नाटक कर रही है जैसे इसको पता ही नहीं है। सब पता है, रात से तैयारी करके रखी है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और अभी कितना ड्रामा कर रही है। हाँ, हम लोग रात को ही जाके है ना पूरा सामान लेके आ चुके हैं खाना बनाने का। सो चैलेंज स्टार्ट करें? यस। सो चलो चलते हैं। एंड खुशबू, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अभी नहीं। अब स्टार्ट। सो गाइस, 2 घंटे का टाइमर मैंने लगा दिया है और ये फोन मेरे हाथ में ही रहेगा। 1 सेकंड भी इन लोग को ना मैं ज्यादा नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं है ना अपना हक्का नूडल्स बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि है ना इसको बॉईल करने में ही ना मेरा 15 मिनट तो जाएगा ही, क्योंकि अच्छे से मुझे बॉईल करना है इसीलिए। शुभू, हाँ, आज खाने में तुम क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ नूडल्स और फिर मैं बनाऊंगी पिज्जा, उसके बाद मैं बनाऊंगी किटकैट शेक। मैंने नूडल्स को तो बॉईल करने के लिए रख दिया है, सो अब मैं अपने फ्रूट्स को चॉप कर दूंगी, क्योंकि है ना मैं जो किटकैट शेक रखने वाली हूँ ना उसके आसपास मैं फ्रूट्स को भी रखूंगी। सो फटाफट से मैं फ्रूट्स को चॉप कर लेती हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ हरा भरा कबाब और बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का डाइस, बनाने वाली हूँ ओरियो मिल्क शेक। हम खाना कम बना रहे हैं, ट्रायंगल ज्यादा सेट कर रहे हैं, मतलब कुकिंग के साथ साथ कैमरा एंगल सेट करना, बाप रे। हाँ, मैं इनका कैमरा संभालता हूँ, वरना ये ना 2 घंटे की जगह 4 घंटे में खाना बनाएंगे। हाँ ये तो होने ही वाला है, मुझे क्यों लग रहा है। ओ, तू आमता कुछ बना रही है? हाँ, कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही है। अरे यार मुझे बहुत कुछ बनाना है, अभी मेरा कुछ हुआ भी नहीं है रेडी। अभी कैसे रेडी हो जाएगा, अभी मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस चीज से स्टार्ट करूं। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। भैया मेरा एक हेल्प करोगे? क्या करूं? इसको कट करके दो ना। इसको कट करके मैं क्यों दूं, तेरा खाना है तू बना। अरे यार मुझे नहीं आता कट करने। देख मैं बताता हूँ कैसे कट करना, ठीक है? ऐसे ऊपर से कट कर, ऐसे नीचे से कट कर, ठीक है? और ये जो है ना ऊपर का ये लेयर, हाँ, उसको आराम से धीरे धीरे ना चाकू से कट कर और अंदर जो काले काले जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी होते हो उसको भी रिमूव करना, वरना कड़वा लगता है ना मम्मी। ठीक है। खुशबू के साइड तो है ना काम करने का बहुत सारा जगह है, लेकिन पायल का साइड में दिखाता हूँ, ये देखो लोग यहाँ पे काम कहाँ करेगा पायल। अरे मैं क्या करूँ यार, इतना सारा मैंने ना सामान ला लिया है ना, ऐसा हो रहा है कि मैं कौन सा काम पहले करूँ। गाइस मैं काम तो बहुत ही जल्दी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे काम हो रहा है। ये सारी सब्जियाँ इतनी डिफिकल्ट है ना साफ करने को, मेरे कुछ साफ ही नहीं हो पा रहा है, मैं कब से यही काम कर रही हूँ। सो गाइस, हमारा एक जो कंटेस्टेंट है ना वो है ना खरगोश की स्पीड में काम कर रहा है, मतलब खुशबू, और ये वाला कंटेस्टेंट है वो एकदम कछुए से भी स्लो काम कर रहा है। अरे मैं क्या करूँ यार भैया, लोग कुकिंग कर रहे हैं ना तो इन लोग को देख देख कर है ना मुझे भी बहुत सारा है ना कुकिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। पायल है ना स्ट्रगल कर रही है पालक को है ना साफ करने में, क्योंकि पालक में ना बहुत गंदे गंदे पत्ते भी है ना पायल। पालक तो हो गए, अभी मुझे धनिया भी साफ करना है। मतलब मैंने ना पूरी सब्जी की लारी यहाँ पे खोल ली है। सारी सब्जियाँ है इसके पास, देखो मटर और है ये क्या है, और ये है गोभी, और ये है गाजर, मिर्ची, अदरक बीन्स, नींबू, सारी सब्जियाँ है इसके पास। पक्का है ये तो तेरा कॉल है ना, मैं क्यों बताऊं? फिर तुम्हारा ही पेट बिगड़ेगा। रुक जा मैं बताता हूँ। हाँ बता दो। अभी थोड़ा सा और कुक होगा,
ठीक है यार, ये तो चीटिंग हो रही है। कुछ करेगी तब ना बताऊंगा। ठीक है तू कुछ कर, कब से सब्जियां ही काट रही है। तो मैं क्या करूँ, मेरा सब्जी का ही बनेगा डिश। सारे फ्रूट्स को है ना चॉप कर दिया है, अब मैं ना अपना चॉकलेट मेल्ट करूंगी और उसके बाद है ना सारे फ्रूट्स को है ना चॉकलेट के अंदर डिप कर लूंगी। खुशबू मुझे तेरी डिश है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं हूँ इतनी इंटरेस्टिंग। पाल देख तेरा पानी क्या बोल रहा है। के अंदर पालक डाल दो, मटर डाल दो। मैं बेताब हूँ उबालने के लिए। हाँ तो फटाफट से ये जो मैंने पालक धो के रखी है यहाँ पे उसको मैं डाल दूंगी इसमें। चलो पाल ने कुछ तो किया ये 20 मिनट में। हाँ चॉकलेट मेल्ट करने वाली हूँ। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए सबसे पहले ना मैं अपने चॉकलेट को कट कर दूंगी। खाना ये लोग बना रहे हैं लेकिन ना बर्तन सारे धुलवा रहे मम्मी से। चॉकलेट खाना है? ओ, क्या टेस्टी चॉकलेट है, देख दी खा। आ, खाती हुई दिखनी चाहिए, दिखा रही है तुम्हें। मजा आ गया। गाइस यहाँ पे ना चीटिंग हो रही है, ये देखो सारा का सारा लिख के लाया रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स तो देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स तो देख सकते हो लेकिन रेसिपी नहीं देख सकते ना। तो रेसिपी लिखा भी नहीं है, मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स देख रही हूँ कि हाँ इसमें ये चीज डालना है। मतलब चीटिंग कर रही है गाइस ये। वो इज अ चीटर। ए मैं चीटर नहीं हूं। क्या बनाया है खुशबू? अरे वो मैंने चॉकलेट फ्रूट्स बनाए। इसको अच्छे तरीके से तो इस पे कोटिंग कर चॉकलेट की। मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गया। पाल तेरे पे मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुझे अगर यूज करना आता हो तभी यूज करना, ठीक है? अरे मम्मी को नहीं आता, मुझे आता है, पूछ लो। हाँ मम्मी। हाँ वही करती है। देखा मुझे आता है, ये तो मुझे सबसे अच्छी तरीके से आता है। भाई मैं तो दूर ही रहूंगा। देखो आता है, इसको स्विच चालू की नहीं और इसको आता है करना। देखो यहाँ पे मेरा रेडी नहीं हुआ है अभी, तो ऐसे ही है। थोड़ा सा पानी डाल इसके अंदर। नहीं पानी नहीं डालते हैं इसमें। ये, 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 ये। क्या कर रही है तू? अरे ये तो मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी बना दे। नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरा इधर टाइम वेस्ट हो रहा है। यार ऐसा मत कर खुशबू। नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि 2 घंटे की जगह है ना 4 घंटे में मुझे आज है ना खाना मिलने वाला है। तुमने ना 3-3 डिश बनाने वाले, 2 डिश बनाने वाले और 1 ड्रिंक बनाने वाले। तुम लोग एक काम करो, एक चीज कम कर लो। नहीं कर लो, नहीं बन पाएगा तुम लोग से। देख भैया जितना बन सकते उतना बना देते, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है क्योंकि ये ना अभी तुम्हारा है ना 35 मिनट्स हो गए। क्या? हाँ भैया को दही बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं डालूंगी दही। नहीं नहीं ये मत डाल। मैं डालूंगी तभी तो मैरिनेट होगा मेरा पनीर। पर इसको नहीं डालेगी तो नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा सा हल्का सा डालूंगा। ठीक है जो जज होते हैं ना वो सब कुछ खाते हैं। ठीक है पर ये जज है ना बहुत नाटक करता है। तो अपना नाटक अपने पास रखो। हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने है ना यहाँ पे वेजिटेबल सॉटे कर लिया हुआ है और अब है ना इसके अंदर मैं ये जो पालक और मटर का पेस्ट बनाई हूँ ना वो डालने वाली हूँ। पनीर भी जो है वो मैरिनेट हो गया, बस इन्हीं दोनों चीजों का मेरा टेंशन था। आपके पास अभी है सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट। हाँ सो फटाफट से अपनी जो डिश है वो प्लीज रेडी कर लीजिए। भैया सॉरी जज, हमारा है ना डिश है ना टाइम पे रेडी हो जाएगा क्योंकि मेरा है ना हाफ डिश तो रेडी हो चुका है हरा भरा कबाब। 1 घंटा में देने वाली हूँ पनीर टिक्का डिश बनाने में और 15 मिनट में मेरा मिल्क शेक बन जाएगा। और फिर प्लेटिंग कब करोगे? प्लेटिंग उसमें ही थोड़ा बहुत समय मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है और आपका कितना समय लगेगा क्या क्या बनाने में? मुझे और 2 घंटे चाहिए बस। मैंने बोला ना गाइस ये लोग को है ना 2 घंटे में नहीं होगा, 4 घंटे इन लोग को चाहिए चाहिए चाहिए। इतना ना इधर भाग दौड़ हो रही है ना ये किचन में, क्या बताऊँ। मम्मी ऊपर से अपना ये बर्तन धो रही है। मुझे इतनी जगह कम मिली है उसमें भी मम्मी अपना आधा जगह लेके बर्तन
हो रही है, मैं इधर खड़ी रहूंगी। आज पायल है ना काम नहीं कर रही है ना, उससे ज्यादा है ना इरिटेट हो रही है। ऐसा क्यों पायल? अरे मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनाती, मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन आज है ना मेरे को हर एक चीज डिफिकल्ट लग रही है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुझे आज ना एक साइड ही मिला है ना, इसलिए इसे ना गाइस फैल फैल के काम करने का आदत है। पूरा किचन है ना इसको चाहिए होता है जब ये कुकिंग करती है तब। ऐसा खाना बनाया, बहुत घासी आ रही है। ऐसा छौक लगाया इन्होंने खाने में, ऐसा छौक लगाया कि सबको खांसी आ रही है। पाए तो एक स्टेप आगे लिख ली, खुशबू तो इंग्रेडिएंट्स लिख के आई है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा वीडियो देख रही है। तो मैं क्या करूँ, मुझे याद नहीं है ना, ये चीटिंग हुआ। यस सही बात है, ये चीटिंग है पायल, 1 मार्क्स कटेंगे तेरे। ये तो सारे स्टेप्स भी देख रही है। नहीं ले जाओ भैया, ले जाओ जाओ। हाँ। मैंने पिज्जा का डो रेडी कर दिया है, पनीर को मैरिनेशन कर दिया है और सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया है। बस अब मुझे पिज्जा को बेक करना है और नूडल्स को फ्राई करना है। सो गाइस मैंने नूडल्स में ना ऑयल डाला था तो भी है ना मेरे नूडल्स एक दूसरे में चिपक गए, पता नहीं क्या बड़ी गलती हो गई है मुझसे। एक काम कर, हाँ एक एक करके ना सारा का सारा नूडल्स है ना छुड़ा दे। अब वही करना पड़ेगा। पता नहीं ये डिश की मालकिन कहाँ चली गई, पता नहीं क्या है, ये पनीर है आई थिंक, ये जल रहा है। अरे यार ये उल्टाने के लिए ना मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मम्मी दे दो वरना जल जाएगा। मम्मी मिल गया। चलो देखो खुशी देखो मिल गया तो। ये जल नहीं रहा, ये है ना थोड़ा ब्राउन हो रहा है भैया। मम्मी ने खाना नहीं दिया है और लेकिन भैया अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, जल्दी बन जाएगा। 1 घंटा है गाइस, देखो मैं क्या खा के गुजारा कर रहा हूँ अभी। नूडल्स के टुकड़े टुकड़े। मेरे नूडल्स ऐसे ही खत्म हो जाने वाले हैं। इन लोग का है ना फाउंडेशन सारा निकल चुका है, देखो गाइस बहुत पसीना आ रहा है। एक तो पंखा हम चालू नहीं कर सकते, नहीं तो है ना सब कुछ उड़ने लगेगा। क्या हो गया ये सारा निकल रहा है। तो तूने कुछ है ना बाइंडिंग एलिमेंट्स नहीं डाले क्या? डाला था, बेसन मैंने डाला था। तब ऐसा क्यों हो रहा है? सेकंड बैच फिर से डालूंगी, उसके बाद देखूंगी, अगर अच्छा होगा तभी मैं ये प्लेट पे डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। एक बार ऐसे निकाल के तो देख, ऐसा नहीं होता। नहीं मतलब तूने कुछ गड़बड़ी की है। पायल का जो पहला बैच है हरा भरा कबाब का वो खिचड़ी बन चुका है। पायल ओए रो रही है यार, उसको चुप करा, आंसू तो आने गए। तू जा इधर, मेरा पिज्जा जल जाएगा। पायल पायल अभी हार मत मान, अभी तेरे पास 40 मिनट है पायल, प्लीज 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 चल उठ जा, उठ जा, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल और फिर बना। अब पता चला गाइस ये क्यों रो रही है ज्यादा, क्योंकि खुशबू के 2 एलिमेंट्स पूरे के पूरे बन चुके हैं और इसका है ना अभी तक कुछ भी नहीं बना है, इसलिए वो ज्यादा रो रही है। मेरा फेवरेट किटकैट। हाँ सबका फेवरेट किटकैट। पर तूने तो ब्लूबेरी बोला था। अरे भैया मुझे ना ब्लूबेरी मिला नहीं तो मैंने फिर सोचा कि किटकैट का मिल्कशेक बना देती हूँ। ओके स्ट्रॉबेरी का भी बनाती तो अच्छा लगता, बट स्ट्रॉबेरी भी नहीं मिला। चलिए पायल का हरा भरा कबाब जो है वो बन रहा है, अब तो हंस दे पायल, हंस दे हंस दे, ये देखो इसकी हंसी। भैया क्या क्या स्मेल आ रहा
बार भी किचन में आ रहा हूँ ना सिर्फ खास रहा हूँ, पता नहीं कितने सारे मसाले के फ्लेवर्स ना मेरे नाक में एकदम डायरेक्टली जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली मैंने है ना अपनी मैरिनेशन रेडी कर दी है। अब इसके अंदर है ना मैं अपने ये पनीर के टुकड़े मैंने काट के पहले से रखे वो डालने वाली हूँ। मतलब इसका टेस्ट करके मैंने देखा है ना इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, मुझे भी दिखा। पायल लास्ट के 20 मिनट बचे, अभी तेरा मिल्कशेक बनाना भी बाकी है। अरे वो तो जल्दी बन जाएगा, वो तो सिर्फ 5 मिनट का खेल है। अगर नहीं बन पाएगा तो मैं नहीं जानता हूँ। देख खुशबू का सारा एलिमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। बाकी है और खुशबू की प्लेटिंग भी हो चुकी है, लेकिन पायल का अभी एक एलिमेंट जो है वो कुक हो रहा है। 5 मिनट बाकी है, उसमें 5 मिनट में तुझे प्लेटिंग भी करनी है। वाह वाह, फटाफट हो जाएगा। वाओ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हो गया। क्या बनाया तुमने? मैंने आज बनाया है नूडल्स, ओके, बनी पिज्जा, किटकैट मिल्कशेक, वाह देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और चॉकलेट फ्रूट स्टिक। एक चीज बोलूं? हाँ। तेरी जो डिश है ना वो दिखने में एकदम ब्यूटीफुल है, बच्चों के लिए। थैंक यू। देख के ऐसा लग रहा है कि पेट भर जाएगा। अट्रैक्टिव है। हाँ चलो मम्मी टेस्ट करते हैं। करो करो। बहुत ही टेस्टी स्पाइसी है खुशबू। थैंक यू। मम्मी कितना स्पाइसी है, ऐसा आपको बनाना चाहिए। देखो बाहर जैसी बनाई, सच्ची खुशबू बहुत ही मस्त है। पिज्जा जल्दी जल्दी ट्राई करो। पिज्जा ट्राई करते हैं गाइस, पिज्जा से मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेशन है। खाओ मम्मी आप। पिज्जा में मजा नहीं आया खुशबू। नहीं आया, कच्चा है पिज्जा। कुछ भी, पिज्जा कच्चा है सच्ची। मैंने खुद ने ट्राई किया, हो ही नहीं सकता ऐसा। मम्मी खा के देखो, थोड़ा सा कच्चा है। देखा? अरे यार, अब किटकैट शेक ट्राई करो। इसके मुंह में पानी आ गया। ये इतना ओवरलोड बना दिया है ना, बहुत ही ओवरलोडेड है। हाँ तो गार्निश पहले खा लो। बॉर्नविटा वाला दूध लग रहा है। किटकैट के साथ बॉर्नविटा वाला दूध होता है ना वो लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट 10 में से 10। थैंक यू। ये क्या बनाया तुमने? ये मैंने चॉकलेट फ्रूट स्टिक बनाया। ऐसा हम खाते नहीं तो अजीब लग रहा है मुझे, पर ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो ट्राई किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये ना नूडल्स के लिए मैं ये स्वाद आ गया। बहुत ही टेस्टी बनाया है ये नूडल्स। सिर्फ ये वीडियो खत्म हुआ ना मैं पूरा का पूरा ये खा जाऊंगा। जो मैं 10 में से दूंगा 8। 8 मार्क्स? हाँ, क्योंकि ये तेरा पिज्जा कच्चा था ना इसलिए। कितना दोगी? 10 में से 9, क्योंकि ये कच्चा था, पिज्जा का बेस इसलिए। इसीलिए। तो टोटल मेरे कितने हुए? टोटल गिन ले 17। अच्छा है, 20 में से 17। ये क्या बनाया हुआ है? मैंने बनाया है ये पनीर टिक्का डिस्क, ओके, उसके साथ बनाया है ये हरा भरा कबाब, और ये मुझे पता है क्या है? क्या है? धनिया की चटनी। हाँ, धनिया और पुदीने की चटनी है। और ये मिल्कशेक है ना? हाँ। सबसे पहले मिल्कशेक टेस्ट करेंगे। मम्मी लो अपना चम्मच, ये आपका है। ये मेरा है। देखिए ये अच्छा लगा मुझे। अरे रे, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी चीनी नहीं है। अरे मैंने लास्ट मौके पे बनाया ना, इसमें चीनी डालना ही भूल गई। ऐसा लग रहा है सिर्फ दूध ही पी रहा हूँ मैं। कबाब खाते हैं। मम्मी आप भी लो। बिल्कुल टेस्टी है पायल। मुझे पता था कि इसका टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन है ना जब वो तेल के अंदर वो पूरा फैल गया ना, इसके लिए मुझे रोना आ गया। आके देखो मम्मी कितना टेस्टी बनाया है।
अब मैं खुद की तारीफ क्या करूं, मैंने बोला था कि हरा भरा कबाब बनेगा, देखो अंदर से भी हरा है ना। बहुत टेस्टी ये भी, मम्मी आप भी ट्राई करो, बहुत टेस्टी है पायल। थैंक यू थैंक यू। इसका तो मेरा दुकान खोलना है। मम्मी सच्ची खा के देखो, अगर आप यहाँ पे होते ना तो मैं आपको जरूर ये टेस्ट कराता, ये बहुत ही टेस्टी है। अरे ग्रीन चटनी इसके साथ खाना था भैया। चलेगा, हम ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही तीखा है। हाँ? चटनी भी अच्छी है। थैंक यू स्वाद आ गया। अच्छा लगा ना मम्मी? ऐसे स्वाद आ गया। तो मैं दूंगा तुझे 10 में से 9 मार्क्स। मम्मी आप कितना दोगी? मैं तो दूंगी बोलो 10 में से 7। क्यों दे रही हूँ 10 में से 7? क्यों? क्योंकि इसमें चीनी नहीं था। खुशबू का पिज्जा का बेस भी तो कच्चा था। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, ये मम्मी बायस है। बायस है, बायस। 7 प्लस 9 यानी पायल के टोटल हुए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पायल मेरे लिए तू ही विनर है। थैंक यू। प्लेट है ना, उसका खाना बहुत ही टेस्टी, इसलिए थैंक यू सो मच। होप करता हूँ गाइस आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय।